देखिए, एमकेएम में वजारत मशीर गवर्नरशिप पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। जो पार्टी का फैसला होगा, जो खालिद अकबर सिद्दीकी साहब का फैसला होगा, टॉप टू बॉटम हर अकबर सिद्दीकी हो, हम कारकुन हैं एमकेएम के, पार्टी के कारकुन हैं। और हमारा मकसद अपने आवाम की खिदमत करना, अपने वोटर के साथ खड़ा रहना, उनकी आवाज़ के आवाम में पहुँचाना, उसके बातों को कैबिनेट में लेकर आना। मैं समझता हूँ जो भी फैसला खालिद अकबर सिद्दीकी साहब का होगा, राबता कमेटी का होगा, हम सब आँख बंद करके उस पर अमल करते। तो एमकेएम हमेशा कारकुनान की सोच के साथ, अवाम की सोच के साथ, अपने वोटर सपोर्टर की सोच के साथ आगे बढ़ती है। मैं समझता हूँ कि यस, राबता कमेटी का बाहमी मशावरत का अमल जारी है। कल रात को खालिद अकबर सिद्दीकी साहब ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को भी बुलाया था, उनके साथ भी मशावरत की है। तो मैं समझता हूँ कि यस, जैसे भी मशावरत का अमल मुकम्मल होगा, मीडिया के जरिए पूरे 48 घंटे यकीनन अहम है, और इसके बाद एमकेएम राबता कमेटी जो भी फैसला करेगी वो इसका ऐलान करेगी। आपकी कभी ना किसी के बारे में भी जो बग़ैर तहकीक के एक बात कर देना है ना, ये सबसे बुरी बात है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और दूसरा ये कि जी, चीज़ों को हकीकत पे मबनी देखना चाहिए। अब आज आपके सामने हैं जी, मैं जिन बेंचेस की हूँ मैं उन्हीं पे बैठी हूँ जी। अच्छा मैम, ये बता दी, अब ये सवाल उनसे पूछने वाला है जिन्होंने ये बातें की हैं। अच्छा मैम, जब भी कोई हुकूमत का आखिरी वक्त हो तो आप उस पर परेशानी में घिर जाती है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक, तरीका कार है, ये चीज़ें चलती भी रहती हैं, लेकिन ये मुझे अल्लाह ताला और उसके हबीब पाक का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ये मुझे लगता है कि शायद सब पे ये वाज़ह है कि मैं असूलों को नहीं छोड़ूंगी। और दूसरा ये कि जो तहफ़ुज़ात हैं हमारे, सिर्फ तहफ़ुज़ात होते हैं जी अपने इलाके की डेवलपमेंट और बेहतरी के हवाले से। जब तक वो हल ना हो तो समझ लें कि कोई चीज़ हल नहीं भी होती। तो ये किसी एक मुलाकात में अगर आप वो जो असल मसला है जो हमारे तहफ़ुज़ात होने चाहिए अपने इलाके की बेहतरी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, तो वो किसी मुलाकात में हल होने वाले नहीं हैं, वो प्रैक्टिकली हल होते हैं जी। मौजूदा सूरत हाल में फ़िलहाल हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, और आज से 4 दिन पहले हमने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया था, और उधर दोस्तों ने यही हमें सलाह दी है कि हम आवाम में जाएंगे और उनके फैसले का एहतराम करेंगे। उनके फैसले की वजह से हम असेंबली में आए, और असेंबली में आने की वजह से हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तो आवाम के वोट का एहतराम बहुत लाजिम है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, हमें उम्मीद है कि या कल या परसों अगले चंद रोज़ में जो भी हमारे दोस्त हमें मुश्तरका तौर पे मशवरा देंगे उस पर अमल किया जाएगा। तो अभी इस हवाले से कोई इजलास कहाँ किया है सर? मैं सिर्फ उनका दोस्तों की जो गए हैं मुशावरत करने, उनके तरफ से इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनका मुशावरत मुकम्मल हो। जैसे ही वो हमें बताएंगे कि मुकम्मल है, हम इजलास फौरी बुलाएंगे। ये ऐसी बातें करने का आदि मुजरम है, ये कंटेनर पे चढ़ के रोज़ कहता था कल मैं ये कर दूंगा, परसों वो कर दूंगा, हफ्ते को ये हो जाएगा, बुध को वो हो जाएगा। ये आदि मुजरम ऐसी बातें करने का, कुछ नहीं होगा। एक ये भी कह रहे हैं कि सरप्राइज देंगे जिस दिन इनका जलसा है, आपके ख्याल में ये कंटेनर पे चढ़ के 2014 में रोज़ सरप्राइज देता था, फिर क्या सरप्राइज था इसके पास? कोई सरप्राइज नहीं है, वो ऐसे लोगों को आप समझ लें कि धोखा दे रहे हैं, किस तरह जो है वो बातें कर रहे हैं। एक ऐसा आदमी कि वो उसने सियासत को जो है वो कुफ्र इस्लाम की जंग बना दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि सिर्फ इख्तदार की खातर और सियासत की खातर जो है वो किस तरह से दीन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। राणा साहब, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के अगली मंजिल कहाँ देख रहे हैं? इनकी अगली मंजिल जो है ये अडयाला जेल है, और वहाँ पे ये इनको रखेंगे। लेकिन वो घटियापन जो ये हमारे साथ करते हैं वो नहीं करेंगे, इनको इंसाफ देंगे। अच्छा, राशन टेबल करेंगे? देखिए, ये तो अंदर जाके पता लगेगा, एजेंडे पे तो है। अगर आपके नंबर पूरे हो जाएंगे? नंबर पूरे हैं, अल्लाह का फजल। तो कितने 200 से क्रॉस करने का चांस है? या पूरा पूरा चांस है, सोमवार तक सबको पता लगेगा।